हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी, एक्स एजीएम ऑफ आरबीआई। आई हैव वर्क्ड विद यस बैंक एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। डॉक्टर कलाम सेड ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग ए रेन, बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। सो प्रॉब्लम्स आर कॉमन, बट एटीट्यूड मेक्स ऑल द डिफरेंस। हाउ यू ट्रीट द एग्जाम नाउ? इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग यू टू द क्वेश्चन नंबर 81 to 100। दिस इज द फिफ्थ। इस वीडियो में मैं लेके जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 81 से 100, पांचवा वीडियो है इस सीरीज में। और ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, क्या लिमिट है एनबीएफसी के लिए जो डिपॉजिट लेती हैं, डिपॉजिट लेने की लिमिट क्या है एज ए मल्टीपल ऑफ नेटवर्थ फंड। तो 1.5 टाइम्स ऑफ नेट ओन फंड। अगर नेट ओन फंड 200 करोड़ है कंपनी के एनबीएफसी के, तो वो 300 करोड़ तक का डिपॉजिट ले सकते हैं, और केवल इन्वेस्टमेंट ग्रेड की जो एनबीएफसी हैं वही डिपॉजिट लेने के लिए अलाउड हैं। 1 साल से 5 साल तक का डिपॉजिट लिया जा सकता है। आज का प्रश्न, जो रिवाइज्ड पीसीए गाइडलाइंस हैं, प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन गाइडलाइन हैं, इनमें से कौन सा उसमें इंक्लूडेड नहीं है? और अगर आपने ये बुक से पढ़ा है तो आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा एग्जाम में, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अभी इसमें से हटा दिया गया है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन गाइडलाइन इम्पॉर्टेंट है वीक बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो अभी रिसेंट अपडेट आया था जनवरी 2022 में, इसमें जो तीन पैरामीटर आरबीआई ने बताए, वो बताए कैपिटल, कैसे नापते हैं कैपिटल को, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो, और एसेट क्वालिटी, नेट एनपीए से नापते हैं उसको, और लेवरेज, टीयर वन लेवरेज क्या है। इसमें फिर तीन थ्रीशोल्ड है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि प्रॉफिटेबिलिटी, जो रिटर्न ऑन एसेट है आरओए, इसको इसमें से हटा दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आई एग्जाम भी मैं आपको कैसे ये क्रिस्प नोट, अपडेटेड करंट अफेयर्स और क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, मेक माई टेस्ट, आप वो टेस्ट बना सकते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को मैच करते हैं, ये मिल के आपको हेल्प करते हैं 50% फास्ट प्रिपरेशन में आप आपके सिलेक्शन के लिए एग्जाम में। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने अप्रूव किया है इतने अमाउंट का ट्रांसफर, क्या अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सरप्लस ट्रांसफर करने का आरबीआई ने इस साल 21-22 में अप्रूव किया है। तो क्वेश्चन में दोनों पूछे हैं, पिछले साल का भी, इस साल का भी। तो पिछले साल का अमाउंट है 99,122 करोड़, ठीक है, और इस बार का अमाउंट है 30,307 करोड़। यहाँ पर अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस साल में सबसे ज्यादा ऑप्शन ये था 30,307 और ये दोनों। तो ये ऑप्शन आप ऐसे ही हटा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम है, तो 30,000 तो था, ये चार में से कुछ होना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 99,122 तीन बार रिपीट हुआ है। कॉमन अगर आप निकाल लेते ना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कि सबसे ज्यादा बार इधर क्या है, सबसे ज्यादा बार इधर क्या है, कि जब कोई प्रश्न बनाता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि जो सही आंसर है उसको लिखना पड़ेगा, जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो इस मेथड से भी मैं तो इसको सॉल्व कर देता ऑप्शन एलिमिनेशन से। पिछले 5 साल में देखिए किस तरीके से आरबीआई का जो सरप्लस है उसका अमाउंट चेंज होता रहता है। 30,307, 99,000, 1,23,000 करोड़ था 18-19 में। और याद रखिए जलान कमेटी की रिकमेंडेशन जो बोलती है कि 5.5% से 6.5% तक का कंटिजेंसी रिस्क बफर आरबीआई क्रिएट कर सकता है। तो पॉइंट ये था कि आरबीआई कितना रिस्क बफर क्रिएट करे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसको ज्यादा सरप्लस आरबीआई ट्रांसफर कर दे। तो जलान कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी और आरबीआई ने इस बार भी 5.5% का रिस्क बफर अपने पास मेंटेन किया है, कंटिजेंसी रिस्क बफर, यानी कि किसी समय जरूरत पड़े तो ये पैसा आरबीआई के पास रहेगा और किसी भी काम में मार्केट को सपोर्ट करने के लिए लाया जा सकता है। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है 2017 में बनी, द फर्स्ट TREDS सिस्टम, तो किसने इसके फॉर्मेशन में हिस्सा लिया है? और करेक्ट आंसर यहाँ पे सिडबी, एनएससी और तीन बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई और यस बैंक। और इसका काम क्या है, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, TREDS क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो इनको डिस्काउंट करने के लिए इसमें सिडबी भी एक जेबी का हिस्सा है, क्योंकि सिडबी प्रमोट करता है एमएसएमई को। तो एमएसएमई के जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, यानी कि जो पैसा इन कंपनी को मिलना है ट्रेड में, कहीं से पेमेंट आनी है, उसको डिस्काउंट करना मतलब अगर कहीं 10 करोड़ की पेमेंट आनी है, आपने डिस्काउंट करके 20% डिस्काउंट करके 8 करोड़ का पैसा उसको रिलीज कर दिया, सपोज बैंक ने डिस्काउंट किया, तो एमएसएमई को भी 8 करोड़ मिल गया, उस पे वो बैंक चार्ज करेगा। डिस्काउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूरा 10 करोड़ नहीं दिया, 20% डिस्काउंट किया हुआ है। 2017 में ये लाइव हुआ, सिडबी, एनएसएमई और तीन बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक, उसके अलावा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज,
SBI कैप भी इसके प्रमोटर्स में से हैं। जो रिसेंट बजट है 22-23, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द मेंटल हेल्थ। कितने हेल्थ सेंटर्स, टेली हेल्थ सेंटर्स इसके अंदर प्लान है? द करेक्ट आंसर टू दिस इज 23 टेली हेल्थ सेंटर्स। और इसमें जो निमहांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस, ये इसका नोडल एजेंसी है और ये जो प्रोग्राम है वो हेल्प करेगा टू ब्रिज द गैप इन द एक्सेस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर। और जो इंडिया का SDG टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट है, टू रिड्यूस द सुसाइड मोर्टेलिटी रेट टारगेट 3.4.2, उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ने 1.2 लाख करोड़ के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑयल बॉन्ड्स हैं, जो अगले 3 साल में मैच्योर होने वाले हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया है लॉन्गर मैच्योरिटी के बॉन्ड्स में। इनमें से कौन सा सही है इन ऑयल बॉन्ड्स के बारे में? दे आर इशूड बाई ऑयल मार्केटिंग कंपनी एज ए कम्पनसेशन इन लियू ऑफ द कैश सब्सिडीज। हाँ, ये सही है। दे आर द नेचर ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, नहीं, ये जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है और ये SLR के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो सही आंसर हुआ ए। ये जो ऑयल बॉन्ड्स हैं, स्पेशल सिक्योरिटीज हैं by the government to oil marketing companies, उनको जो compensation दिया एक तरीके के in lieu of the cash subsidies, और ये long term dated securities हैं जिनमें coupon होता है marginally higher coupon over the dated security, because ये SLR securities नहीं है, देखिए not eligible for SLR, but इनको repo में as a collateral use किया जा सकता है, RBI ने वो allow किया हुआ है। थोड़ा सा high क्यों होगा coupon? क्योंकि ये dated securities नहीं है, तो आप बोल सकते हैं इनमें risk थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो जहां risk ज्यादा होगा वहां pricing ज्यादा होगी। और ये bond issue किए गए 2005-2010 के बीच में, जहां पे गवर्नमेंट जो है फ्यूल प्राइस को फिक्स करती थी। आपने सुना भी होगा बहुत बार अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट बोलती कि पुरानी गवर्नमेंट ये डेट उनके लिए छोड़ के गई है। और ये वो टाइम था उस समय जब अपने पास ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऑयल प्राइसेस को गवर्नमेंट ने कम करके रखा। लेकिन जून 2010 के बाद ऑयल प्राइस डीरेगुलेट कर दिए गए, जो मार्केट प्राइस है क्रूड का वो रिफ्लेक्ट होने लगा। बट अभी भी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, बट ये जो पुराने बॉन्ड थे इनको रिडीम करने के बजाय और आगे लॉन्गर मेच्योरिटी के बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया गया है। PMGD दिशा में डी का क्या मतलब है? अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो ये आसान हो जाएगा। डी है डिजिटल, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 2017 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया टू प्रमोट द डिजिटल लिटरेसी ऑफ द रूरल इंडिया। 6 करोड़ लोगों को, रूरल हाउसहोल्ड को कवर करने का इसमें प्लान है, जिससे कि वो कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस एक्सेस कर पाए, ईमेल पढ़ पाए, इंटरनेट एक्सेस कर पाए, गवर्नमेंट स्कीम का भी फायदा ले सके। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो 2015 में शुरू किया गया था, अगर आपको याद हो ईयर तो। और इसका जो मेन रीजन था प्रोग्राम का वो था जो सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस करना, और बाकी जो डिस एम्पावरमेंट ऑफ वुमन एंड द रिलेटेड इशू ऑफ द डिस एम्पावरमेंट ऑफ द वुमन। ये एक प्राइम मिनिस्ट्रियल प्रोग्राम है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, तीनों का कंट्रीब्यूशन है। सही आंसर ये तीनों ही हैं। 2015 में ही ये शुरू किया गया था। और हम जब चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल अगेन 1000 बॉयज, तो देखिए अलग अलग स्टेट में आपको मिलेगा कहीं 950 है, कहीं 960 है अगेंस्ट 1000 बॉयज। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया, जो तीन मिनिस्ट्रीज द्वारा मिलकर शुरू किया गया है, जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। जहाँ पे लो CSR है उन 161 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है, गर्ल की एजुकेशन भी करनी है इसमें। और जो प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, जैसे कि पहले ही पता लगा लेते हैं कि पेट में बच्ची है और उसका अबॉर्शन कर देते हैं, उसका जो कानून है वो अलाउड नहीं है बट लोग बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं, तो उस कानून को सही से लागू करने के लिए भी इसमें काम किया जाना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की सही क्वेश्चन इन तीनों में से कौन सी है? इन तीनों में से कौन कौन सी है? तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सेप्ट बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग से तो इसको हम कवर कर लेते हैं, ये सही है। प्राइमरी डेफिसिट नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, बहुत सिंपल है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, ये आपको याद होने चाहिए। इनमें से कौन सा ओपन इकोनॉमी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है? ओपन इकोनॉमी फैसिलिटेट करती है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखिए फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो थ्योरी में होती है, एकदम फ्री किधर है? लेबर फ्री जा सकता है क्या? आप देख रहे होंगे कई बार गवर्नमेंट ये एक्सपोर्ट बंद कर दिया वीट का, अभी वो अलग अलग कंट्री अलग अलग
टैक्सेस लगा रहे हैं उसमें, तो ये तो थ्योरी की बात हो गई। एंड इकोनॉमी दैट इंटरेक्ट विद अदर कंट्रीज, या एकदम सही है ये, इकोनॉमी दैट हैज नो गवर्नमेंट रूल, ये कौन सी इकोनॉमी हो सकती है? कंट्री दैट हैज पोरस बॉर्डर, मतलब क्या कि एक दूसरे के आतंकवादी घुसते रहें। इकोनॉमी दैट डज नॉट हैव ए टैक्स सिस्टम, ये कौन सी इकोनॉमी होती है? तो आंसर बहुत क्लियर है, आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे। ओपन इकोनॉमी वो है जो इंटरेक्ट करती है दूसरी कंट्रीज से थ्रू वेरियस चैनल्स, देयर इज ट्रेड लाइक एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लो ऑफ द कैपिटल गुड्स। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी आर ओपन इकोनॉमी, अभी क्लोज्ड इकोनॉमी बहुत कम हो गई है क्योंकि सब देश आयात निर्यात कर रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ पैसा जा रहा है। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट सही है? पीएमएफबीवाई 2006 में लॉन्च करी थी, आप सोच लीजिए। और ये जो स्कीम है 18 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूडिंग 5 पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है उनके द्वारा लॉन्च की गई, और इस स्कीम में एक यूनिफॉर्म मैक्सिमम 2% का प्रीमियम है जो सम इंश्योर्ड होगा फार्मर्स के लिए फॉर ऑल खरीफ क्रॉप, और 1.5% का प्रीमियम है फॉर रवी क्रॉप। हाँ, ये एकदम सही है, लेकिन ये स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी, 6 महीने लॉन्च की गई थी, इम्प्लीमेंटेड थ्रू 18 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज। 2% और 1.5% प्रीमियम आपको याद रखना है। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूड बाय एन इंडियन कंपनी, एक इंडियन कंपनी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया ओवरसीज मार्केट में, उस करेंसी में जो करेंसी इशूअर की करेंसी से डिफरेंट है। से फॉर एग्जांपल कोई इंडियन कंपनी जो रुपए में काम करती है वहां पर उसने यूएस ने वो डॉलर में वो बॉन्ड इशू किया, और इन्वेस्टर को वो ऑप्शन है, यूएस का कोई इन्वेस्टर उनको ऑप्शन है कि वो जो रिडीम करेंगे इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी के टाइम में, या वो उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, रिडीमिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन मैच्योरिटी और कन्वर्टिंग इनटू इक्विटी। यानी कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है, आपने लोन जैसे लिया समझ लो, तो ड्यूरिंग द टेन्योर आप या तो उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ने जो पैसा लिया डाला था उसको ब्याज सहित आपको मिल जाएगा बॉन्ड में, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है। तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल आंसर है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल वर्ड क्या है यहाँ पे? डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको कन्वर्टेबल बोलते हैं। इन केस ऑफ FCCB द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल इज द करेंसी इन विच द मनी इज रेज्ड। ये भी याद रखने वाली बात है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड है, यानी कि अगर आपने डॉलर में पैसा उठाया है, USD में पैसा उठाया है, तो आपको USD में ही उसको वापस करना है। जैसे मैं बोला था कोई इंडियन कंपनी ने USD में पैसा रेज किया बॉन्ड में, तो उसको USD में वापस करना है, लेकिन इसमें इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वी सेफ रिकवरी के लिए सही नहीं है? इनकम एंड जॉब आर नॉट परमानेंटली लॉस्ट। हाँ, ये तो सही है, परमानेंटली लॉस्ट होंगे तो वी सेफ रिकवरी के कुछ प्रॉब्लम हुई, GDP ग्रोथ गिर गई, ऐसे फिर फटाक से GDP ग्रोथ वापस आ गई, तो इसको बोलते हैं वी सेफ रिकवरी। तो यानी कि यहाँ पे परमानेंट लॉस डैमेज नहीं हुआ था। द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी इज टिपिकली क्लोजली रिलेटेड टू द सीवियरिटी ऑफ द प्रीसीडिंग रिसेशन। बिल्कुल सही है, अ शार्प डिक्लाइन इज फॉलोड बाय अ क्विक एंड सस्टेन रिकवरी, यही तो मैंने आपको बताया। द इकोनॉमी क्विकली राइजेज आफ्टर एन इकोनॉमिक क्रैश एंड मेक्स अप मोर देन द लॉस। मोर देन द लॉस ग्राउंड कहाँ बोला? वी से मोर देन द लॉस मतलब अगर गिरा इतना होता यहाँ चढ़ जाती इकोनॉमी, तो आप बोलते मोर देन द लॉस ग्राउंड हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया क्योंकि नॉट ट्रू पूछा गया है इसमें। वी शेप जो है वी शेप चार्ट को रिकवरी को बताती है। वी शेप रिकवरी जो है शार्प प्राइस होता है जो प्रीवियस पीक है वहां तक फिर से पकड़ लेती है, और ये जो रिसेशन थे 1920-21 वाले 1953 वाले US में, ये एग्जांपल हैं वी शेप रिकवरी के। इनकम और जॉब आर नॉट परमानेंटली लॉस्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ शार्पली क्विकली रिकवर कर जाती है जैसा ये पहले चल रहा था। इसके अलावा जेड शेप रिकवरी होती है, यह है मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो जिसमें इकोनॉमी क्विकली राइजेज आफ्टर एन इकोनॉमिक क्रैश, और यहाँ पर क्या होता है, इट मेक्स अप मोर देन द लॉस्ट ग्राउंड बिफोर सेटिंग बैक टू द नॉर्मल ट्रेंड। तो ये जेड शेप डिजाइन बनाती है जब इसमें जो ग्रोथ होती है इतना, ऐसे इकोनॉमी चल रही थी और अचानक से गिरी लेकिन फिर इतना ज्यादा उठी फिर नॉर्मल आ गई, तो ये एक जेड तरीके का डिजाइन बन रहा है, इसमें पिछले बार से भी ज्यादा ग्रोथ उठ के आती है। इनमें से कौन सा अपर लिमिट है फंड ट्रांसफर के अंडर RTGS? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपको नहीं आता है तो आपकी तैयारी बहुत खराब चल रही है। ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है RTGS में, कोई अपर ट्रांजेक्शन नहीं है, एक मिनिमम लिमिट है 2 लाख। 2 लाख से नीचे का ट्रांसफर करना हो तो आप क्या करोगे? NEFT कर लोगे, सिंपल है। FPI इन्वेस्टमेंट की क्या लिमिट है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या लिमिट है एज ए परसेंटेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज? और इसका सही आंसर है 6%। ये जैसा प्रश्न है ये सेबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना अलाउड है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6%, स्टेट डेवलपमेंट लोन में 2% और कॉर्पोरेट बॉन्ड में 15% वो इन्वेस्ट कर सकते हैं
उनके टोटल आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ सिक्योरिटीज का। अगर कोई एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड इशू करना है तो क्या मिनिमम नेट ओन्ड फंड होना चाहिए, उसके बाद भी उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्वेश्चन को ठीक से समझ लीजिए, बट प्रश्न में पूछा है कि क्या मिनिमम नेट ओन्ड फंड होना चाहिए फॉर इशूइंग क्रेडिट कार्ड टू बी एलिजिबल टू इशू क्रेडिट कार्ड। देखिए एलिजिबल हुए हैं यहाँ पे, अब ऐसा है कि आप आरबीआई एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हो गए, अगर आपकी 21 साल एज है इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेक्शन ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आरबीआई डिसाइड करेगा, लेकिन वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी है कि पहले आपके पास 100 करोड़ रुपए का नेट ओन्ड फंड होना चाहिए, उसके बगैर आप एलिजिबल भी नहीं हो। और उसके बाद आप आरबीआई अप्रूव करेगा, विदाउट आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के एनबीएफसी कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई चार्ज कार्ड या इस टाइप का जो फाइनेंशियल जो पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया है दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक, कि एनबीएफसी बाय डिफॉल्ट पेमेंट सिस्टम के हिस्सा नहीं है, वो चेक नहीं इशू कर सकते, वो ऐसे कोई कार्ड इशू नहीं कर सकते, के लिए उन्हें अलग से आरबीआई से अप्रूवल लेनी होती है। इतना इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया गया है फार्मर्स को एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर। ये भी सिंपल है, 2% है जो शॉर्ट टर्म लोन है क्रॉप रेज करने के लिए या जो अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज है, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, फिशरीज वगैरह करने के लिए। तो ओवरऑल 3 लाख रुपए की लिमिट है, क्रेडिट लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड में, और उसमें कंसेशनल इंटरेस्ट रहता है, और इसमें 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया गया है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा, जिन्होंने भी वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो सकते हैं, पैक्स भी हो सकते हैं, या बाकी कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो। उसके अलावा एडिशनल 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है उन किसानों को जो टाइम से अपना लोन रिपे कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ एसडीआर का फुल फॉर्म तो याद ही होगा, जब हम फॉरेक्स की बात कर रहे थे कि इंडिया का फॉरेक्स किस किस में इन्वेस्टेड है, तो वहां पर हम एसडीआर की बात करते हैं। तो SDR की वैल्यू कैसे निकलते हैं, SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो IMF द्वारा दिए जाते हैं, तो वो 5 करेंसीज पे, बास्केट ऑफ 5 करेंसीज पे डिटरमाइन किए गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा वेटेज है US डॉलर का, और फिर उसके बाद है यूरो, उसके बाद चाइनीज येन एंड जापानीज येन, और पाउंड स्टर्लिंग ऑफ द UK। इन 5 करेंसीज का जो वेटेज दिया हुआ है कि वैल्यू से मिला के आप SDR की वैल्यू निकालते हैं। और चाइनीज रेनमिनबी जो है, चाइनीज युआन जो है, इसमें सबसे लेटेस्ट एडेड करेंसी है, 2016 में इसको एड किया गया, उससे पहले इसका कोई वेटेज नहीं था। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है, जिसमें फॉरन रेजिडेंट जो है इंडिया में रेमिट कर सकते हैं पैसा, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कर सकते हैं, ये प्रश्न में पूछा है, और आंसर है इसका $250,000। 2004 में ये स्कीम जब शुरू की गई थी उस समय $25,000 लिमिट थी, आज वो बढ़ा के धीरे धीरे स्टेज में बढ़ा के 250,000 तक कर दी गई है, और ये समय के हिसाब से कम ज़्यादा की जा सकती है। जब हमें फॉरेन करेंसी की ज़्यादा जरूरत होती है तो RBI इस लिमिट को बढ़ा देगा, और जब रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं फॉरेन रेमिटेंस पे तो इसको कम किया जा सकता है। और ये जो $250,000 की लिमिट है, इसमें करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, तो गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंड कर दिया 2030 तक, आप बताइए, और ये 2018 में लॉन्च की गई थी। सिडबी और नबार्ड डेजिग्नेटेड स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर्स हैं, ऑफिस जो है इनके सिडबी और नबार्ड के, और इसके अंदर जो लोन्स हैं वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी हैं और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी हैं। तो इसका सही आंसर है सी इसमें, क्योंकि केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को काउंट किया जाता है, और ये 2025 तक है, 2016 में लॉन्च की गई थी लेकिन 25 तक है। प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप एट ए ग्रास रूट लेवल, जॉब क्रिएशन के लिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए सिडबी और नबार्ड के जो ऑफिस हैं, डिजिग्नेटेड ऑफिस, वो इसमें स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर के रूप में काम करेंगे। ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड क्या होते हैं, जो नए प्रोजेक्ट हैं, ग्रीन फील्ड एकदम, मतलब आप ऐसे याद रखिए कि ग्रीन फील्ड क्या होता है, खेती हो रही होती है, तो जब खेती करने के ऊपर प्लांट लगा देते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा देते हैं, तो हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही लगाना है, अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसको ग्रीन फील्ड बोलेंगे। और इसमें लोन जो है कमर्शियल बैंक द्वारा 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन को देने का प्राविधान है SC/ST बोरोवर्स के लिए, 1-1 बोरोवर पर बैंक पर ब्रांच। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, किसी भी बिजनेस को ये प्रमोट किया जा सकता है स्टैंड अप इंडिया स्कीम में। और इस प्रश्न का आंसर आपको देना है, कौन पब्लिश करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स RBI का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपना डिस्क्रिप्टिव ESI में जो डिस्क्रिप्टिव आंसर पहला लिखा था वो SDI वाला लिखा था, बिकॉज मेरे को इसमें बहुत अच्छा ग्रिप था। आप कमेंट में आपका आंसर लिखिए, फिर हम अगली वीडियो में लेके आएंगे और क्वेश्चंस, और आप अपनी तैयारी जारी रखिए।
एम हाई, क्योंकि छोटा एम करना तो क्राइम है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।